हेलो देर दिस इज श्रद्धाजिस्ट समू हेल्प एच डीव अ गुड क्वालिटी वर्कआउट नाउ जस्ट मेकिंग क्विक वीडियो बिफोर आई गो बिकॉज एक्सरसाइज इज समथिंग दैट हैज बीन नियर एंड डियर टू मी सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इसके काफी सारे बेनिफिट होते हैं मैं एक्सरसाइज में उन सारी चीज़ों को कंसिडर कर रही हूँ अभी जो आपके मसल्स एंड आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे फोकस करते हैं जैसे कि जिमिंग दिस इज समथिंग फॉर ए डी एच डी कि एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी फॉर्म एज आई मैं इज रेकमेंडेड फॉर यू टू हैव अ बेटर प्रोडक्टिव डे ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि मैं हर अपने क्लाइंट जिसको ए है चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो मैं उनको बोलती हूँ कि आप रोज़ अपने ज़िंदगी में एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स अपने दिन के सुबह प्रेफरेबली आप एक्सरसाइजिंग करिए कुछ भी फॉर्म चाहे वो जिम जाइए या फिर आप एक जॉगिंग के लिए जाइए फास्ट पेस जॉगिंग के लिए यू नीड टू डू इट ऑन अ रिलीजियस बेसिस ये ऐसा है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको शुगर की मेडिसिन अगर लेनी पड़ती है रोजाना ही लेनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि आप एक दिन स्किप कर सकते हो सिमिलरली फॉर ए डी एच डी फॉर योर ब्रेन टू बी मैनेज बेटर वे एंड फॉर यू टू हैव दैट कंट्रोल ओवर योर फोकस यू नीड टू एग्जॉस्ट दैट एक्सेसिव एनर्जी दैट यू हैव बिकॉज जब हम ब्रेन की बात करते हैं इट्स लाइक यू हैव गॉट सो मच एनर्जी इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे दैट यू डू नॉट नो हाउ टू एक्सपेंड इट एंड वो चीज़ जो होती है फिर इरेगुलरली डिसिपेट हो जाती है एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली सो जब आप एक्सरसाइज करते हो वो एनर्जी थोड़ी सी आपकी ना वेल स्प्रेड आउट रहती है बिकॉज जब एक्सरसाइज करके वापस आते हो आपका एक टोन भी सेट हो जाता है यू हैव अ रूटीन दैट स्ट्रक्चर योर डे एंड स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मेकिंग योर डे प्रोडक्टिव तो दिस इज समिंग दैट इज अ टिप फॉर टू डे आई एम गोइंग फॉर माई वर्कआउट डू कमेंट बिलो कि आपका कौन सा फेवरेट फॉर्म ऑफ वर्कआउट है सो so दैट मुझे भी पता चले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग